व्यूअर्स ये कहते कि ये दुकानदार ऐसा ट्रैक करते हैं सर, ये देख लें अभी ये जगह मैं करता हूँ, ये देख लें वाकई व्यूअर्स देख लें, अगर इस ब्लेड से आप करेंगे ना तो इसका रंग उतर जाता है। ऑपरेटिंग का सिस्टम है सर, अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले इधर डी साइज सिल लगते जो बड़े साइज होते हैं, ये देखे सैंपल एक ही दफा पुश करने डायरेक्ट लियान हो जाते हैं। इधर से फिर आप फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो बटन है ये अगर एक दफा आप दबाओगे तो 30 मिनट बाद ये खुद बहुत फिर ऑफ हो जाएगा, जबरदस्त इस तरह फंक्शन है इसमें। अगर दूसरा बर्नर देखा जाए, ये देखे ये भी सैंपल लग गया, फ्लेम का हीट ज्यादा है क्योंकि ये जो है व्यूअर्स आप हाथ नहीं नजदीक ला सकते हैं, जला दिया मेरा हाथ। अच्छा ये देख लें इसका ओन कितना जबरदस्त है, इस कोई दुकानदार भी आपको नीचे से नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ये बात है, ये आप देख लें व्यूअर्स नीचे से इसकी कंडीशन, इसमें अपना अपना बुक भी अभी तक है। हाँ जी दो सिल लग गए, दो सिलों के बाद जो है बस सैंपल आप एक ही दफा प्रेट पुश करना है तो खुद लग जाएगा। ये 3 सेकंड तक अगर पुश पकड़ो तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंसर रिलीज हो जाता है, ये देख बस 3 सेकंड 2 सेकंड 1 और ये टाइम खत्म। जबरदस्त अलार्म दिया और ऑफ हो गया। जी बिल्कुल ये जो है बहुत यूनिक चूल्हा है तो इसमें फंक्शन अलग है, आपको लगेगा कि ये किस किधर से कम ज्यादा होते, इधर दो सिल लगता है ठीक है जी बिल्कुल लगे। और ये जो है ये देखे बिल्कुल स्लो मोशन में निकल जाता है, इस तरह अंदर पुश करोगे फिर जब छोड़ोगे डायरेक्टली फ्लेम लगेगा। ये डॉट्स देख रहे हैं ना, ये जब ज्यादा करोगे तो इधर से टाइमिंग सेट करा सकते जितना ज्यादा करने, इस तरह अगर सेंटीग्रेड आपने सेट करने ये बटन को पुश कर लिए, देखे अभी 180 पर है ना, ये देखे अभी गैस पहुंचा तो ये डायरेक्टली लग गया। ठीक 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 इधर से जो है ये भी आप कम ज्यादा कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ुर रहमान और चैनल है ट्रैवल्स ऑफ खैबर। तो व्यूअर्स आज हम एक मरतबा फिर कारखानों बाजार आए हैं और आज हम आपकी खिदमत में एक इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो पेश करेंगे जिसमें हम आपको रिनाई फुल ऑटोमेटिक चूल्हे जो होते हैं स्टोव वो आपकी आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक कंप्लीट डिटेल के साथ। इसमें दो बर्नर वाले, तीन बर्नर वाले और बग़ैर सेंसर के चूल्हे जो हैं सब डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर दीजिए। और साथ हमारा दूसरा चैनल है पिशावर फूड लवर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको चूल्हों के बारे में कम्प्लीट डिटेल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो? ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं और शॉप का कंप्लीट एड्रेस बताएं अगर कोई आना चाहे तो इजीली पहुंच सके। सर हमारा नाम जो है मोहम्मद यूसुफ है और हमारा शॉप का जो एड्रेस है पिशावर कारखानों मार्केट शाह शॉपिंग सेंटर न्यू बी ब्लॉक शॉप नंबर 2528। जबरदस्त। अच्छा व्यूअर्स ये इनका शॉप का एड्रेस है, अगर कोई शॉप पे आना चाहते हैं तो इनके पास जापानी रिनाई जो स्टोव है, हीटर का सीजन तो चला गया है, ये देख लें इनके पास बेहतरीन कंडीशन में और टाइमर वाले हर किस्म के रिनाई जो जापानी यूज चूल्हे होते हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। इनके पास ये नए जो आए हैं आजकल जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो ये वाले हैं। सारा कुछ इस इसकी डिटेल इस वीडियो में शामिल है, अभी आपसे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा यूसुफ सर ये बताएं कि स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे और आपके पास जापानी रिनाई चूल्हों में कौन कौन से चूल्हे अवेलेबल हैं? स्टार्ट तो हम सर पहले चूल्हों से लेंगे लेकिन हमारे साथ दो आइटम होते हैं। अच्छा जी। हीटर और चूल्हे ये हम होलसेल पर काम करते हैं और जो चूल्हे हमारे साथ है नाब वाले होते हैं, पुश वाले होते हैं, टाइमर वाले होते हैं। इसके अलावा जो नया स्टॉक में आए है तीन बर्नर वाला भी आए है जो ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, शेल्फ में फिक्स भी लगा सकते हैं, शेल्फ के ऊपर भी लगा सकते हैं और उसमें भी इस तरह होते हैं कि टाइमिंग भी सेट करा सकते हैं। ठीक है जी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं। अच्छा मैं जरा व्यूअर्स को ये दिखा दूं, व्यूअर्स ये देख लें वो तीन बर्नर वाले चूल्हे जो है ना वो ये है। ठीक है जी। आजकल इसने धूम मचाई हुई है और लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये आप किचन काउंटर जो होता है ना वो टॉप उसमें आप मार्बल में फिक्स भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसके ये तीन बर्नर है। ठीक है जी। अभी इसका डेमो जो है वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, इस तरह के इनके पास चूल्हे हैं। ठीक है जी। ये टाइमर वगैरह ऊपर आप देख लें ये वाले। अच्छा यूसुफ इस तरह करते हैं कि डेमो देते हैं लेकिन डेमो सबसे पहले किस चीज की देंगे? डेमो जो है सर सबसे पहले टू बर्नर चूल्हे का देंगे, उसके बाद फिर टाइमर भी ऑपरेट करेंगे,
तीन बर्नर भी ऑपरेट करेंगे और फिर एक हीटर का डेमो। ठीक है जी, चलते हैं डेमो पे। अभी जो है सर इस चूल्हे का हम डेमो देते हैं, लेकिन डेमो से पहले इसमें जो फंक्शन है वो हम आपको बताएंगे। जरूर। सबसे पहले इसमें ये दो सेंसर लगे। जी बिल्कुल। ये सेंसर जो है इसलिए होते हैं अगर सालन जलते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं, इस तरह सिस्टम होते हैं सेंसर का। ठीक है, अगर कोई चीज ना भी हो तो वो कम ज्यादा होते तो फिर 5 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऑफ भी हो जाते। और दूसरा टॉप जो इसका है नॉन स्टिक है, ये देखिए ये ब्लेड है, ब्लेड इस पर मेरा ग्रह तो इससे कलर नहीं जाता, नहीं जाता वाकई, ना स्क्रैच लगते। ये देखिए ये सर हो गए ना, वापस कपड़ा मार लो इस तरह वापस साफ हो जाते, ये चेक कर ले। बिल्कुल, ये व्यूअर्स आपको नजदीक से दिखाता हूँ, देख ले वाकई जिस तरह का है उसी तरह है, ये इस पे स्क्रेचेस नहीं आ रहे क्योंकि आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। नहीं जी बस ठीक है, ठीक है, कर ले। बाज़ व्यूअर्स ये कहते हैं कि ये दुकानदार ऐसा ट्रैक करते हैं, ये देख लें अभी ये जगह मैं करता हूँ, ये देख लें वाकई व्यूअर्स देख लें, अगर इस ब्लेड से आप करेंगे ना तो इसका रंग उतर जाता है। ठीक है जी, ये तो इसका नॉन स्टिक टॉप हो गया। और इसमें दूसरा खूबी है अगर गैस चला जाते दोबारा आते तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते, वो खतरा नहीं होता कि बस गैस चला गया दोबारा आ जाए लीकेज करेगा, ये लीकेज नहीं करता, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑफ हो जाते। और इसका जो ऑपरेटिंग का सिस्टम है सर अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले इधर डी साइज सेल लगते जो बड़े साइज होते हैं, सबसे जो मैक्सिमम बड़ा साइज सेल इसमें लगते हैं। सिंपल एक ही दफा पुश करने अपने डायरेक्ट। अच्छा ये तो मैंने, आप जरा ऑफ करें, ये तो मुझे नहीं पता था, ये अब ऑन करें। ये देखे सैंपल एक ही दफा पुश करने डायरेक्टली ऑन हो जाते हैं। इधर से फिर आप फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये चूल्हे में एक दूसरा फंक्शन यूनिक आया है जो अप मॉडल में आया है, ये जो बटन है ये अगर एक दफा आप दबाओगे तो 30 मिनट बाद ये खुद बहुत फिर ऑफ हो जाएगा। जबरदस्त, इस तरह फंक्शन है इसमें। अगर दूसरा बर्नर देखा जाए, ये देखे ये भी सैंपल लग गया, तीनों को एट अ टाइम भी लगा सकते हैं, अगर एक एक लगाना चाहते हो फिर उस तरह भी कर सकते, सैंपल इधर से कम ज्यादा होते। बाज़ व्यूअर्स को ये फ्लेम छोटा लगते है लेकिन इसका जो फ्लेम का हीट ज्यादा है क्योंकि ये जो है व्यूअर्स आप हाथ नहीं नजदीक ला सकते हैं, जला दिया मेरा हाथ। अच्छा। इसका सर हीट ज्यादा होता है, ये जो है 100% जो है वो जो कच्चा गैस होता है उसको जलाता है, इस तरह वो जो है फिर हम ये कहेंगे कि जापान वालों ने जो चीज बनाई है आज तक उन्होंने कमजोर चीज बनाई है, बिल्कुल तो नाम ही काफी है, बिल्कुल नाम ही काफी है। बिल्कुल। तो इसके बाद चलते हैं ओवन की तरफ, ये जो है हम ऑफ करते हैं ओवन पर चेक कर ले। ओवन में आप बेकिंग भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट होता है, ये चेक कर ले ओवन लग गया। आप ये देख लें, ये तोड़ अब ये देख लें इसका ओवन कितना जबरदस्त है इस सर, और कंडीशन को देखें सर, कंडीशन अंदर कंडीशन आप देख लें बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। बिल्कुल, इसमें खूबी ये है चूल्हे में कि आप बेकिंग भी कर सकते हैं बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर बारबेक्यू करने सिंपल जाल के ऊपर सकते ऊपर रख दें, ठीक है, बेकिंग करने सिंपल जाल को हटा रहे ट्रे में बेकिंग कर सकते, इस तरह फंक्शन है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये हम फिर ऑफ करते, इसके बाद जो हमारे साथ दूसरा मॉडल चूल्हा है जो टाइमर वाला है वो भी 2 बर्नर में है, वो भी हम आपको ऑपरेट करते। अच्छा, उस पे जाते हैं उसकी डेमो पे, लेकिन ये जरा बताएं कि नॉन स्टिक में एक एक की प्राइस बताना वो मुश्किल है, लेकिन ये बताएं कि इस तरह के नॉन स्टिक जो चूल्हे होते हैं उसकी प्राइस मॉडल पे डिपेंड करता है या इस तरह होता है कि कंडीशन पे, ये जरा बताएं। और ये बताएं कि मिनिमम जो आपके पास रेट है वो क्या चल रहे हैं और मैक्सिमम क्या चल रहे हैं। सर ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इस तरह होते हैं कि इस तरह सेम चूल्हे हमारे साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चूल्हा देखा जाए तो ये आपको 15,000 पर मिलेगा आपके व्यूअर्स के लिए, अगर इस तरह सेम पर ये चूल्हा पड़ा है ये आपके व्यूअर्स के लिए 12,000 पर मिलेगा। अच्छा। आप ये भी पूछ ले कि वजह क्या है कि ये 12,000 पे रहे वो 15,000, बिल्कुल ये आप बताएं क्यों इस तरह। वजह ये है अगर इसका कंडीशन देखा जाए, बल्कि ये अप मॉडल भी है उससे। अच्छा, मॉडल नया है इसका? मॉडल नया है, ये नीचे वाले की। अच्छा। जो शॉपर में पैक है। जी बिल्कुल, ये जो है इसी वजह से क्योंकि ये यूज हो चुका है, बहुत यूज है, बस इसी वजह से रफ यूज हो चुका है, हम ये कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, इसका जो है कीमत जो है कम, मतलब कंडीशन पे, कंडीशन पे सिंपली कहेंगे कि कंडीशन पे डिपेंड, बिल्कुल कंडीशन पे डिपेंड है। और जो मिनिमम प्राइस है जो है 8,000 से स्टार्टिंग होते हैं और मैक्सिमम जो है 50,000 जाता है। अच्छा, पेमेंट मेथड आपका क्या है? पेमेंट मेथड इस तरह के, हम तो सब लोगों से एडवांस पेमेंट लेते लेकिन बाज कस्टमर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि बस वो कहते हैं कि ऑनलाइन में फ्रॉड होते, तो फिर उसको हम कैश ऑन डिलीवरी भी करते, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ठीक है जी, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, एडवांस पेमेंट भी है, और
ये चूल्हा जो सामने पड़ा है आप इसकी प्राइस बताएं, ये कितने का मिलेगा? इसका प्राइस जो है व्यूअर्स के लिए सिर्फ 15,000 रुपए। जबरदस्त, बिल्कुल इस तरह है व्यूअर्स, मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल नया लग रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे बिल्कुल। अगर नीचे से भी आप देख ले, कोई दुकानदार भी आपको नीचे से नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, ये बात है, ये आप देख ले व्यूअर्स नीचे से इसकी कंडीशन। इसमें अपना अपना बुक भी अभी से अभी तक है, हटा नहीं है, इस तरह जबरदस्त हो गया, जबरदस्त इस तरह। फिर इसके बाद चलते हैं सर आपको नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो सर इसके बाद दूसरा जो टाइमर वाला है वो भी हम आपको अपडेट करते, इसका फंक्शन भी डिटेल से बताते, और इसका जो फंक्शन है जो सेंसरों का है उसी तरह है। इस पर भी अगर सालन रख के सालन में पानी खत्म हो जाए तो यह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, इसमें भी ये फंक्शन अवेलेबल है। और इस टॉप भी जो है नॉन स्टिक, ये भी नॉन स्टिक, ये भी स्क्रैच नहीं होता। इसका जो ऑपरेटिंग का तरीका है इसका भी उसी तरह है, सबसे पहले दो सेल लगाने, ये इसमें दो सेल लग गए, ठीक है जी, दो सिल लग गए। दो सिलों के बाद जो है बस सैंपल आप एक ही दफा प्रेस पुश करना है तो खुद लग जाएगा, ये डायरेक्ट प्रेस करने से ऑन हो जाता है। हाँ डायरेक्ट प्रेस, लेकिन बस जो कस्टमर को हम देते ना वो इस तरह प्रेस करते, एक मिनट, इस तरह, वो जो स्पार्क का जो रिले होते वो ऑन होते लेकिन गैस उस तक नहीं पहुंचता। जब भी आपने ऑन करना हो तो अच्छी तरीके से पुश कर ले कि फ्लेम लग जाए, ठीक, ठीक, इस तरह है। तो इधर से सैंपल आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह फंक्शन है। इसमें फिर ये सेंस रिलीज का ऑप्शन है, 3 सेकंड तक अगर पुश पकड़ो तो ये ऑटोमेटिकली ये सेंस रिलीज हो जाता है, ये देखिए लाइट लग गया, इस तरह फंक्शन है। अगर इस बर्नर को आप टाइमिंग देना चाहते तो सैंपल ये बटन को पुश कर लो, इधर से टाइमिंग ज्यादा कर सकते, इधर से कम कर सकते, इस तरह। अभी हम एक मिनट इस बर्नर को दे, जबरदस्त, ये इसका मिनट वो करेगा ना, ये मिनट है ना, मिनट है, मिनट जब खत्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑफ हो जाते। अब ये देख इधर चूल्हे का डायग्राम दिए, ये डायग्राम इसलिए दिए कि ये जो इसमें लाइट लगे इस बर्नर के लिए, ये दूसरा जो है इस बर्नर के लिए, ये पीछे ऑन के लिए फिर होते। अच्छा, मतलब इसमें ये एक ऑन है तो इसका मतलब ये कि इसका एक बर्नर ऑन है, अगर दोनों ऑन करते हैं तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जो है अभी मैंने इस बर्नर को टाइम दिया, ठीक है, तो इसी वजह से ये लाइट लग गया। अच्छा, ये टाइम के साथ ऑन होगा। हाँ बिल्कुल, अभी इसका सेकंड स्टार्ट हुए, जब सेकंड पूरा हो जाए तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाते। आप जो है कैमरा फ्लेम को भी पकड़े, ये मैं दिखा रहा हूँ, मैंने अभी वो वहां पे 14 चल रहा है, 13 पे आ गया है, 12 पे आ गया है, 11। अब व्यूअर्स देखते हैं कि यूसुफ ने जो बताया तो वो बात ठीक है या गलत है, आपको पता चल जाएगा। बस 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1, और ये टाइम खत्म। हाँ जबरदस्त, अलार्म दिया और ऑफ हो गया। जी बिल्कुल जबरदस्त, इस तरह के बस एक जो है औरत बैठी उधर से बंद कर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसी अच्छा इसे वो जो पीछे से गैस आ रहा है तो वो तो मसला नहीं करेगा। किस तरह? अब इसको तो गैस पीछे से आ रहा है ना, वो ठीक है, गैस आने नहीं, अगर ये ऑफ हो जाता है तो उधर ऑटोमेटिकली जो है वो गैस का रिले ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये लीकेज नहीं करता, खतरा नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, कोई खतरा। इसमें 3 सेफ्टी अलग होते हैं, अच्छा, इसी वजह से भी कोई खतरा नहीं होता। अच्छा, फिर ये दूसरा बर्नर, ये दूसरा, हाँ जी, इधर से कम ज्यादा। हाँ, फिर जो है ये जो रेड फ्लेम दे रहा है, हाँ, ये फिर घर गैस में नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ शॉप, मतलब ये गैस के लिए बना है, नेचुरल गैस के लिए बना है, और आपने एलपीजी पे चलाया तो ये येलो फ्लेम दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है जी, ये ब्लू होगा अगर ये घर गैस में लगे, नेचुरल गैस पे, बिल्कुल। इसमें जो है आप टेम्परेचर सेट करा सकते हो, 160, 180, 200 टेम्परेचर सेट करा सकते हैं, सारा फंक्शन है, ठीक है। ये टेम्परेचर हमने खत्म किया, ठीक है, ये फिर वाटर बॉयल कुक बॉयल का फंक्शन है, ये आप सिंपल गूगल ट्रांसलेट में भी चेक करा सकते हो क्योंकि कौन सा फंक्शन है। अगर इस बर्नर को टाइम देना चाहते हैं सिंपल ये देखे अभी इस साइड पर हुआ, इसको भी मैक्सिमम जो है आप 99 तक है कि 90 तक टाइम दे सकते, ये भी हम आपको चेक कराते हैं। इतना ज्यादा टाइम ना दे, नहीं नहीं, वो ऐसे जो है व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ ये, बस बिल्कुल अब थोड़ा सा कम करें क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लगे। आप इसको जो है भी हमने वो अपडेट चेक किया क्या टाइम, एक मिनट टाइम इसका। हाँ, ये जो है जब कम ज्यादा होते ये इसी वजह से कम होता है कि इस पर कोई चीज नहीं है, तो ये अगर मैं इस पर ये पेचकस है ना ये रखता हूँ, ये देखिए जबरदस्त, इसका ये सेंसर प्रेस हो जाएगा। हाँ, जब ये प्रेस हो जाते इसके बाद इस पर कोई चीज नहीं, ये जब थोड़े वक्त बाद जो है फिर खुद बहुत कम हो जाता है इस तरह। अच्छा व्यूअर्स, ये आप देख लें, इन्होंने सेंसर की बात की है, वीडियो आप देखें क्योंकि डिटेल से हम आपको बता रहे हैं।
इस सेंसर का अगर आप लेवल देखें ना, मैं यहां से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इससे ये सेंसर ऊपर है, ठीक है जी। इस पे आप बर्तन रखेंगे तो ये प्रेस होगा, तो ये वही जो इन्होंने कहा है कि ये प्रेस होगा तो ये ऑन होगा, ये इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। अभी ये सेकंड भी देखे, सेकंड भी बस पूरा हो जाते, सेकंड के बाद ऑफ होगा, इस तरह बटन ऑन होगा, फ्लेम ऑफ होगा, इस तरह। ये देखे बटन ऑन है और वहां से फ्लेम बंद हो गया। आपने सर एक दूसरा क्वेश्चन किया था कि अगर अभी तो इसका बटन लगाए तो ये जो है क्यों इससे गैस आते या नहीं आते, ये भी हम आपको व्यूअर्स के लिए टेस्ट करते हैं। एक मिनट, ये अच्छा। माचिस नहीं है लेकिन इस पर ये बर्नर में ऑन करता हूँ, इससे थोड़ा आगे लगाता हूँ ना, ये लग गया, ये मैंने ऑफ किया, ये भी चेक करते हुए इसमें गैस का जो ये देखे इसका ऑन है, और वो देखे व्यूअर ये देखे बाकायदा में जो है ये देखे, ये मतलब ये कि आपने माचिस फॉर एग्जांपल इसको दे दिया है, यहाँ से बटन ऑन है, गैस नहीं आ रहा है, इट मींस कि इसका वो बंद है, पीछे से गैस नहीं आ रहा, गैस बंद हो जाता है। अच्छा, इस तरह होता है। इसमें ये खूबी होती है क्योंकि वो इसी वजह से लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं, वो महंगा भी लेते हैं। अच्छा, इस तरह होते। फिर ये बर्नर हमने ऑफ किया, ठीक है। फिर ये देखिए नीचे ओवन, ओवन में इसमें ये खूबी है कि ओवन डबल है, नीचे से भी है और ऊपर से भी है, डबल साइड फ्लेम लगते हैं, लेफ्ट एंड राइट भी है और ऊपर भी है। अच्छा, इस तरह फंक्शन है, जबरदस्त। हाँ, इसको भी आप टाइमिंग सेट करा सकते, लेकिन वो हमने टेस्ट किया, टाइमिंग की जरूरत नहीं है, वो हो गया, वो हो गया। इधर से फ्लेम नीचे का कम ज्यादा कर सकते, इधर से ऊपर का कम ज्यादा कर सकते। अच्छा, इस तरह फंक्शन है इसमें, ठीक है। ये सैंपल जो है आप बंद कर सकते इधर से, फिर सैंपल आप, ये मतलब टाइमर वाला चूल्हा हो गया, टाइमर वाला चूल्हा हो गया, बिल्कुल इस तरह। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें ये जो है ये जाली किस लिए है? ये जाली जो है ये जो ऑन का फालतू हीट निकलता है। अच्छा, इस पर निकलता है। अच्छा, ये इसी वजह से ये जो है जाली दिए, अगर जाली ना होता तो ये हीटअप होता, सारा चूल्हा गर्म होता। अच्छा, इसी वजह से ये जाली दिए, एग्जॉस्ट का काम करता है, ठीक है जी। इस सारा फंक्शन। अच्छा, अब ये बताएं ये टाइमर वाला चूल्हा जो है इसका रेंज बताएं, इसमें कम से कम कितने का मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कितने का मिलेगा, ये जरा बताएं। टाइमर की अगर बात की जाए तो टाइमर में जो है 18 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन बाज लोग जो है वो जो है कस्टम खराब करने के लिए बोलते कि 17 पर मिलते, 13 पर मिलते, लेकिन उस अगर उससे आप मांगे कि मुझे चूल्हा दे दे, फिर वो कहते हो मेरे साथ स्टॉक खत्म है हफ्ते में आने वाले, लेकिन 18 से जो है आपको कम नहीं मिलेगा टाइमर। अगर किसी के पास स्टॉक है तो वो 18 से कम नहीं देगा, नहीं देगा। किसी के पास नहीं है तो वो कहेंगे कि 5000 में भी है लेकिन है नहीं हमारे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है जी। तो ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह। मैक्सिमम रेट जो इसका जाते हैं 30,000 तक जाते, 30,000 टाइमर, वो कंडीशन पे डिपेंड, कंडीशन पर भी डिपेंड होते हैं जो है। अगर मैं आपको दिखा दूं, इसमें एक ये मॉडल होते, अच्छा ये सिर्फ फर्क इसमें ये होते कि इसका जो पिंस देखा जाए, इसका फ्लैट है, थोड़ा डिजाइन अच्छा है। अच्छा, अगर इसका पिंस देखा जाए, ये देख, ये मोटा है थोड़ा। हाँ, बस इसी वजह से ये जो छोटे पिंस वाले ये लोग ज्यादा पसंद करते। अच्छा, ये जो है लोगों को बहुत हल्का लगते है, लेकिन अच्छा, ये जो है इतना मजबूत जापान वाले ने बनाया कि ये टूटता नहीं। अगर ये मेरा जो है 75 kg वजन है, ये देखिए मैं इस पर खड़ा होता हूँ, ये जो है ये टेढ़ा नहीं होता, वो नहीं होता, वो ना टूटेगा, कुछ फर्क भी नहीं आता इसमें, ठीक है जी। ये इस तरह बात है, इस तरह फंक्शन है। तो इसका जो चूल्हे का प्राइस है उससे जो है 2-3 हजार महंगा होगा बने, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन काम सब कुछ एक जैसा करते हैं, ठीक है जी। अगर इसमें फंक्शन देखा जाए और उसमें देखा जाए, बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शन है, ठीक है। इस तरह तो टाइम जाया नहीं करते सर, तीन बर्नर का डेमो देते, वो दिखाते। तो सर तीन बर्नर का डेमो भी देते, ये जो है बहुत यूनिक चूल्हा है, तो इसमें फंक्शन अलग है। आपको लगेगा कि ये किस किधर से कम ज्यादा होते, किधर से ऑपरेट होगा, तो इसमें अगर देखा जाए इधर दो सेल लगते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल लगे। और ये जो है ये देखे बिल्कुल स्लो मोशन में निकल जाता है, इस तरह। तो इसका ऑपरेटिंग का जो तरीका है वो अलग है। ये जो है अंदर पुश करोगे, फिर जब छोड़ोगे डायरेक्टली फ्लेम लगेगा। ये डॉट्स देख रहे हैं ना, ये जब ज्यादा करोगे तो डॉट्स भी ज्यादा होगा, कम करोगे तो डॉट्स कम होगा, इस तरह। अच्छा, इसमें खूबी की बात क्या है कि इसको जो है टाइमिंग भी जो है आप घड़ी में नजर आएगा, और सेंटीग्रेड भी जो है घड़ी में नजर आएगा। और ये वाला है ना? हाँ, ये वाला है। और का तो इस तरह होते कि इधर तीन जो है ऑप्शन देते हैं,
तो 160 180 इस तरह, इसको जो है आप इधर से टाइमिंग सेट करा सकते जितना ज्यादा करने इस तरह। ये टाइमिंग है, वो तो हमने दूसरे चूल्हे में चेक किया था, वो तो व्यूअर्स को ऑलरेडी पता लग गया है। अगर सेंटीग्रेड आपने सेट करने, ये बटन को पुश कर लिए, देखे अभी 180 पर है ना, ये जब ज्यादा करोगे तो 220 तक जाते, फिर इस तरह कम हो जाते, ये देख सकते बिल्कुल बेस्ट है। इधर से टेम्परेचर सेट करा सकते, सेंसर रिलीज का ऑप्शन है, 3 सेकंड तक पुश पकड़ो, ये रिलीज हो जाते, ये रिलीज हो गया। अगर आपने वाटर बॉयल का फंक्शन देने, ये बटन पुश कर लो, इसका मतलब ये 5 का जो 5 मिनट के अंदर अंदर पानी बॉयल करते, मतलब इसका टेम्परेचर हाई होगा, हाई होगा इस तरह। फिर छोटा बर्नर हम ऑन करते, ये देखे छोटे बर्नर का भी जो है वो इधर से फ्लेम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और इधर जो है छोटे बर्नर को फंक्शन दे सकते। ये सिंपल आप गूगल ट्रांसलेट में चेक करो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन कौन सा फंक्शन है इसमें। चलते हैं दूसरी तरफ, आपको ऑपरेट करते ये चेक कर ले, ये जब गैस पहुंच जाए तो ये डायरेक्टली जो है बहुत ऑन हो जाता है। अभी जो है इसको गैस नहीं आया तो वो नहीं लगा, दोबारा हम ट्राई करते, ये देखे अभी गैस पहुंचा तो ये डायरेक्टली लग गया। ठीक 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 ठीक। इधर से जो है ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं सारा फंक्शन, इसको भी जो है आप टाइमिंग सेट करा सकते हैं इसी तरह। ये जो दूसरा साइड, इसी तरह आप टाइमिंग सेट करा सकते हैं, टेम्परेचर जो है सेट करा सकते, वही फंक्शन है, वही फंक्शन है जो है। फिर वो सेंसर रिलीज का बटन हो गया, वाटर बॉयल का फंक्शन हो गया, इस तरह फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। फिर ये ऑन हमको आपको ऑपरेट करते, ये हमने बंद किया, ये ऑन देखे, इसका जो ऑन है लेफ्ट एंड राइट भी है और ऊपर से ये ट्रे, इसमें जो है ये नहीं नहीं निकलता। अच्छा नहीं निकलता इस तरह, इस तरह निकलता है लेकिन वो जो गेट का जो ढक्कन है वो नहीं निकलता, वो निकलता। एक मिनट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख ले, लेफ्ट एंड राइट भी है और ऊपर से भी है, ऊपर और इधर से आप इसका फ्लेम भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, एक मिनट, कहाँ से कर सकते हैं ये देखे, इधर से जो है आप फ्लेम कम ज्यादा, ये भी 2 डॉट्स हुए ना, ये जब ज्यादा करूँ तो अभी नीचे 3 हुए, एक ऊपर हुए, अभी ये और मैंने ज्यादा किए पूरा हो गया। अच्छा ये मतलब यहाँ से ये डॉट्स जो हैं वो उसी तरह ये जाहिर करता है कि इसका टेम्परेचर कम है ज्यादा है। हाँ बिल्कुल इसी तरह है। इसका जो ओवन का टाइमिंग इधर से आप सेट करा सकते हैं, कम करा सकते हैं सर। और ये जो 10 फंक्शन है आप सैंपल गूगल ट्रांसलेट में चेक करा सकते हैं, ये फंक्शन भी दिए इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है। तो इसका चूल्हे का ये फंक्शन था। अच्छा ये चूल्हा तो हमने दिखा दिया है, अब इसमें वो ऑप्शन है कि अगर कोई ये फिक्स मार्बल में फिक्स करना चाहे, तो असल में जो है शिल फिक्सने के लिए है। अच्छा। अगर कोई टॉप के ऊपर रखना चाहते तो वो जो है इस तरह करेगा कि जो नोजल है, नोजल के लिए सुराख बनाना होगा शेल्फ में कि वो नीचे से उसको कनेक्शन दे सके। तो फिर टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते और जो है मार्बल में फिक्स भी लगा सकते, इस तरह फंक्शन होते। ठीक है जी। अच्छा डायमेंशंस बताएं, ये इसका कितना है, वो कितना है? ये जो है 23 इंच लंबाई है और अच्छा, जो चौड़ाई है 19 इंच है। अच्छा सर मैं एक बात कहूं, मैंने आप ही की एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने कहा था कि आपने पहले जो है तो चूल्हा लेना है उसके बाद, इसी तरह है। इसी तरह है, क्योंकि क्योंकि सर जो जब ये इसका जो फिटिंग होते खास होते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में आम नहीं है, ये तो इंपोर्ट होते जापान से, तो ये जब आप पहले लोगे तो इसी मुताबिक आप कटिंग कर सकेंगे। अच्छा इस तरह है। इसका जो फ्रंट होते वो जो है सामने से ये सब खोला होगा और जो है तीनों साइडों से आपने फिक्स करने, फिर इधर भी जो है मार्बल का वो पीस लगेगा तो फिर जो है बहुत अच्छा। ये स्ट्रक्चर है, ये इसका व्यूअर्स देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, कंडीशन देख लें। वैसे ये चूल्हा तो बहुत जबरदस्त है, नया लग रहा है और इस तरह है कि जैसा सिर्फ डब्बा नहीं है, बाकी मैंने चारों तरफ से आपको ये दिखा दिया है। ये इसका जो नोजल सर लगते है, ये इसका यहाँ पे कनेक्शन है, इधर कनेक्शन लगते है। ठीक है जी, ये है। अच्छा इसमें भी ये जाली वही हीट निकालने के लिए, वही हीट निकालने के लिए। अगर व्यूअर्स को आप थोड़ा जो है इसका दिखा सके तो ये 3 बर्नर का जो स्टॉक है हमारे साथ पड़े, लेकिन नए शॉप में हमारे साथ तो दूसरे शॉप में जो है और चूल्हे भी स्टॉक भी इंशाल्लाह अभी दिखाएंगे। अच्छा मैं ये दिखाता हूँ यूसुफ, आप जरा इसकी प्राइस बताएं कि इसकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वो बताएं। जो मिनिमम प्राइस है आपको जो है 18,000 से स्टार्ट होते, जो मैक्सिमम प्राइस है वो 60,000 तक है। 60,000 तक है इसमें। ये अगर देखा जाए अभी तक इसको हमने हाथ नहीं लगाए, साफ नहीं किया, क्योंकि ये देखे अभी तक इस पर टैप लगे, ये अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ ये ऑन चेक कर ले। अच्छा अगर ऑन चेक कर ले, ये देख ले व्यूअर्स।
बिल्कुल अनटच पीस है। अगर इस तरह का पीस किसी को चाहिए तो वो कितने का मिलेगा? इस तरह पीस जो है इसके साथ अपना पैकिंग भी है, अगर इस तरह पीस जो है व्यूअर्स के लिए सिर्फ 50,000 पर। 50 बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हम उधर जाएंगे, वो स्टॉक भी दिखाएंगे। हाँ। तो आपने कहा है और व्यूअर्स इनके पास जापानी हीटर भी है, ये मैं आपको दिखा दूं। अगर कोई जापानी हीटर, वैसे यहाँ पे तो सीजन ऑफ हो गया है, जिन इलाकों में चाहिए तो इनके पास ये ब्लोअर वाले हीटर हैं, जापानी हीटर ये भी इनके पास अवेलेबल है, तो आप इससे रابطہ कर सकते हैं। तो सर ये जो है हमारा साथ, ये हमारा दूसरा शॉप है जो 28 नंबर शॉप है, वो 25 नंबर था। ये देखिए हमारे साथ नया स्टॉक आया, हमने जो है कार्टन से खोले, अभी तक इसका सफाई नहीं हुआ। अगर इस तरह कैमरा जो है बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को ये दिखा देता हूँ। व्यूअर्स ये वो स्टॉक इनके पास पड़ा है, ये टच वाले है ना, फुल टाइमर वाला है, टाइमर वाले। अच्छा मैं टच कहने लगा हूँ, ये टाइमर वाले, ये इनकी सफाई अभी नहीं हुई। और ये तीन बर्नर वाला है जो शेल में फिक्स लगते हैं, लेकिन इसमें भी इस तरह आते हैं कि बाद जो है बिल्कुल अच्छा कंडीशन में आता है। जिस तरह ये देखिए इसके साथ सब कुछ, सिर्फ कपड़ा इस पे आपने लगाना है और बस। ये देख लें अगर आप थोड़ा कैमरा नीचे कर दे व्यूअर्स को, ये दिखा दे तो ये अंदर जो है बस कपड़ा मान लेते हैं। बिल्कुल डस्ट है इसके ऊपर और कोई चीज नहीं है, दाग वगैरह स्क्रेचेस वगैरह नहीं है। तो ये इनका वो स्टॉक है जो इन्होंने अभी साफ नहीं किया, तैयार नहीं किया, और भी आने वाले। अच्छा। और भी आने वाले, हर किस्म का चूल्हा आने वाले, लेकिन एक हमारे साथ दूसरी भी यूनिक चूल्हे आए हैं जो अभी तक किसका भी सफाई नहीं हुआ। ये चेक कर, ये देख ले, इसको जो है ना लेटर की जरूरत होती है ना सिल की जरूरत होती है, बस सैंपल घुमाने से जो है ये ऑन होता है। ओरिजिनल रिनाई कम नहीं है, सेंसर के बगैर भी ओरिजिनल रिनाई कम नहीं है, इसका जब सफाई हो जाए तो ये और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये सेंसर के बगैर है, सेंसर के बगैर है। इसकी क्या प्राइस है? इसका प्राइस सिर्फ व्यूअर्स के लिए मिलेगा 10,000। 10,000 और इस शॉप में हमारे साथ मुकम्मल हीटर पड़े। ये देख लें हीटर की जो वैरायटी है वो इनके पास पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन हर साइज का हीटर इनके पास, रिनाई का जो ब्लोअर हीटर है वो इनके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये इनका वो दूसरा शॉप है, छोटे बड़े हीटर सारे इनके पास मिलते हैं। अच्छा यूसुफ, आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे व्यूअर्स के साथ कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर की। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे व्यूअर्स के साथ कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर की, डिटेल के साथ रिनाई चूल्हे डिस्कस किए और ये कि डिस्काउंटेड रेट रखे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये बाद में भी करता हूँ कि आपने ट्रेवल्स ऑफ खैबर के व्यूअर्स को स्पेशल डिस्काउंट देनी है। बेफिक्र हो सर, इंशाल्लाह उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे और उसको हम खफा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने आपको फुल ऑटोमेटिक जापानी तीन बर्नर दो बर्नर टाइमर वाले और हर किस्म के चूल्हों पे फराम किए। तो इख्तिताम करते हैं, इख्तिताम में एक आजिजाना सा दरख्वास्त कि मेरे वालिदैन को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। आप उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और जिनके वालिदैन हयात है उनके लिए पैगाम के वालिदैन का एहतराम करें और वालिदैन की खिदमत करें, इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएं, इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।